हाँ तो कैसे हैं भाई आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम कोर्स पढ़ने वाले हैं वो है AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। तो बगैर टाइम ज़ाया करें शुरू करते हैं इस कोर्स को। तो मैं ये कोर्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि AWS क्लाउड किस तरह क्रिएट हुआ, किस तरह वजूद में आया। तो Amazon.com ने 2002 में इंटरनली अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, क्योंकि उन लोगों ने रियलाइज़ करा कि वो अपना IT डिपार्टमेंट एक्सटर्नलाइज भी कर सकते हैं। तो 2003 में अमेज़न इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बन के तैयार हो गया। तो इन्होंने रियलाइज़ करा कि ये हमारी कोर स्ट्रेंथ है, तो हम क्यों ना दूसरों के लिए IT करते हैं। तो 2004 के अंदर सबसे पहले इन्होंने अपनी पहली सर्विस लॉन्च करी SQS। इसके बाद 2006 में इन्होंने अपनी SQS के साथ S3 और EC2 भी लॉन्च कर दी। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, SQS, S3 और EC2 के बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 2007 में इन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड किया कि हम अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि 2007 में इन लोगों ने यूरोप की मार्केट में भी अपना कदम रख लिया। और उसके बाद से आज का दिन है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस, ड्रॉप बॉक्स, नेटफ्लिक्स, नासा, एयरबीएनबी अब AWS क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। तो IT की इंडस्ट्री में AWS को यूज़ करते हुए हम क्या बिल्ड कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तकरीबन हर चीज़ ही कर सकते हैं, क्योंकि AWS अनेबल करता है बिल्ड करने में सोफिस्टिकेटेड स्केलेबल एप्लीकेशंस जो एप्लीकेबल होती हैं डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्री या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए। तो AWS की सर्विसेज यूज़ करते हुए हम एंटरप्राइज IT, बैकअप एंड स्टोरेज, बिग डाटा एनालिटिक्स, वेब होस्टिंग, मोबाइल एंड सोशल ऐप और गेमिंग सर्वर्स वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। अब AWS जो है वो ग्लोबल है, और अब हम सीखेंगे कि ये AWS काम कैसे करता है। तो हमारे पास इसमें AWS रीजन्स होते हैं, AWS अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, AWS डेटा सेंटर्स होते हैं, AWS एज लोकेशंस एंड पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। अच्छा, AWS रीजन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, इनके मुख्तलिफ नाम्स हैं हर रीजन के। फॉर एग्जांपल अगर US में है तो US ईस्ट 1, और अगर यूरोप में है तो यूरोप वेस्ट 3। AWS रीजन बेसिकली है क्या? AWS रीजन जो है बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ डेटा सेंटर्स हैं। अच्छा, मोस्ट AWS सर्विसेज जो हैं वो रीजन स्कोप हैं। रीजन स्कोप सर्विसेज मतलब कुछ जो इसके रीजन हैं वहाँ पे इसकी सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी किस रीजन में, और कुछ रीजन में वहाँ पे इसकी 3 से 4 सर्विसेज या फिर एक सर्विस या 2 सर्विस आपको अवेलेबल होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AWS रीजन को हम कैसे चूज़ करें, और ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर भी आता है। तो रीजन चूज़ करते हुए हमें जो बात अपने माइंड में रखनी है, तो सबसे पहले इसमें है कंप्लाइंस, कि वो हमारी कंप्लाइंस मीट करता है नहीं। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की ऑफिशियल ऐप है या कोई वेबसाइट वगैरह है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करती है गवर्नमेंट के ये जो डेटा है हमारे कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस वजह से हम इस रीजन को उसी कंट्री के अंदर चूज़ करेंगे। अच्छा, रीजन चूज़ करते हुए दूसरी बात जो अपने जहन में रखनी है वो है अप्रॉक्सीमेटली, कि अगर मेरे यूज़र फ्रांस के अंदर ज़्यादा है तो मैं फ्रांस के अंदर जो रीजन होगा वही चूज़ करूँगा। अगर मैंने ऐसा नहीं करा, अगर फ्रांस की जगह मैंने इंडिया का रीजन चूज़ कर लिया और मेरे यूज़र्स फ्रांस में ज़्यादा हैं, तो मुझे वहाँ पर लेटेंसी का फेस करना पड़ेगी, जिस वजह से मेरी एप्लीकेशन स्लोनेस के मुझे इशूज़ फेस आएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि जहाँ पर आपके यूज़र ज़्यादा हों वही रीजन सेलेक्ट करना है। और अगर उस कंट्री में कोई रीजन अवेलेबल नहीं होता तो हम सबसे जो करीबी हमारा रीजन होता है वहाँ से उस एप्लीकेशन को होस्ट कराएंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो है अवेलेबिलिटी सर्विस, कि आप जो है जिस रीजन को चूज़ करें आप उस वहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल है जो सर्विस की आपको नीड है। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि रीजन चूज़ करते हुए कि वहाँ पे चेक करना है पहले वो सर्विस है उस रीजन के अंदर, नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट रीजन के ऊपर मूव हो जाएंगे। और जो चौथी बात सबसे जो बड़ी बात है वो है ऑफ कोर्स प्राइसिंग। तो प्राइसिंग को भी मेजर करते हुए, तो प्राइसिंग को देखते हुए भी आप अपना रीजन चूज़ करेंगे। तो अब बारी आ जाती है AWS अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन जो हैं हर रीजन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम 6 होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं। तो मिस एग्जांपल के तौर पे AP साउथ ईस्ट 2A एक रीजन में है, तो AP साउथ ईस्ट 2B और AP साउथ ईस्ट 2C ये आप अवेलेबल जोन अवेलेबल होंगे उस रीजन। अच्छा, हर अवेलेबिलिटी जोन में एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर हो सकते हैं या एक भी हो सकता है विद रिडंडेंट पावर नेटवर्क और कनेक्टिविटी। अच्छा, हर अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट होते हैं,
मिसाल के तौर पे एक अवेलेबिलिटी जोन हमारा सदर में है, तो एक तारिक रोड में है, तो एक बादराबाद में है, इस तरह। और खुदा ना खास्ता कोई हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन में कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से स्मूथली रन हो रही होती है। तो ये अवेलेबिलिटी जोन जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं हाई बैंडविड्थ अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क से। इसी वजह से ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन मिलकर एक रीजन बनाते हैं। अच्छा, AWS के पास जो है ग्लोबल सर्विसेज हैं, तो पहली उनमें है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, Route 53, क्लाउड फ्रंट, WAF। अच्छा, ये जो चार ग्लोबल सर्विसेज हैं ये आपको सारे के सारे जितने भी रीजन हैं अमेज़ॉन के उनमें अवेलेबल होंगी। अच्छा, रीजन स्कोप सर्विसेज में जो हमें मिलती है वो है अमेज़ॉन EC2, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज भी कहते हैं अमेज़ॉन की लैंग्वेज में, अमेज़ॉन EC2। इसी तरह इलास्टिक बेंस्टॉल प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, लैम्डा फंक्शन एज अ सर्विस, और रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अच्छा, रीजन स्कोप सर्विसेज में एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि रीजन स्कोप सर्विस वो सर्विस होती हैं जो हर रीजन में अवेलेबल नहीं होती। तो आपने वही रीजन चूज़ करना है जहाँ पे सर्विसेज मीट करती हों आपकी रिक्वायरमेंट से।